नमस्कार, मैं हूँ अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। जनमत आवाज में आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी की ओर से मान्य और कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि मान्य और कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ पर तमाम बुरहानपुर जिला कार्यकर्ता की ओर से उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, क्योंकि मान्य और कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन लिया, सामाजिक परिवर्तन किया। क्योंकि इस देश के अंदर अगर मान्य और कांशीराम बहुजन नायक कहलाए तो इस देश के अंदर जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों को अगर राजनीतिक और सामाजिक अगर परिवर्तन नज़र आ रहा है तो मान्य और कांशीराम साहब की देन है। क्योंकि कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर इरादे बोलों तो रास्ते खुद निकल आते हैं, तो बहाने हजार हो जाते हैं। लेकिन इस जिले हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, सर क्या कहना चाहेंगे आज? आज मान्य और कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है, इसी को लेकर आज का यह कार्यक्रम लिया गया। अगर मान्य और कांशीराम साहब बाबा साहब के बाद में अगर नहीं पैदा होते तो ये कौम, बहुजन समाज पर समाज के लोग गूंगे और बहरे ही मर जाते। मान्य और कांशीराम साहब ने इस बहुजन समाज को, इस कौम को जगाने का काम किया और पूरे देश में महापुरुषों का कारबा आगे बढ़ाने का काम किया, और आज बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी पैदा कर गए, और आज बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश को चलाया जा रहा है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी काम अगर जिले में फैलना चाहिए, उस प्रकार से मान्य और कांशीराम ने कहा था कि अगर इरादे बोलो तो रास्ते निकल आते, लेकिन बहाने हजार होते। लेकिन इस प्रकार से मान्य और कांशीराम साहब की सोच के हिसाब से काम नज़र नहीं आ रहा साहब। कई नेता पैदा होते हैं, कई चले जाते हैं, कई भाग जाते हैं, कई मर जाते हैं। मान्य और कांशीराम साहब ने कहा था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे कार्यकर्ता चाहिए। तो इसी प्रकार से हमको न बिकने वाला समाज पैदा करना है और कार्यकर्ता तैयार करके इस कार्य को बुरहानपुर जिले में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ाने का काम करना है साहब। आज महापरिनिर्वाण दिवस में मनोज पवार जी क्या कहना चाहूँगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं आज माननीय कांशीराम जी की 15वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा गया है जिला कमेटी के माध्यम से, और मैं सभी बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं सभी देशवासियों को विनम्र अभिवादन करता हूँ माननीय कांशीराम साहब जी के जन्म परिनिर्वाण दिवस पर। और तमाम नौजवान साथियों को मैं एक मटेरियल बनाया हमने जो हमारे महापुरुषों के, क्या कहना चाहूँगे बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय कांशीराम साहब जी ने अपने जीवन संघर्ष में तमाम कठिनाइयों को से लड़कर इस बहुजन समाज को जागृत करने का काम किया है, और जो सरकारें पूर्व में बनती थी या वर्तमान में बन रही है, इन तमाम सरकारों को चेताने का काम और बहुजन समाज पर समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम, इन न्याय दिलाने की कड़ी में बहुजन समाज पार्टी को बनाकर उन्होंने हमारे समाज को जो न्याय देने का काम किया है मान्यवर साहब जी के इस कारवा को आगे बढ़ाने का, तमाम हमारे कार्यकर्ता आज वर्तमान में कर रहे हैं। हमारे साथ में सुनील नायक जी, सर आज महापरिनिर्वाण दिवस है मान्यवर कांशीराम साहब का, इस अवसर पर क्या संकल्प लेना चाहूँगे? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके चैनल ने आज यहां जिला स्तरीय विचार संगोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम में हमने एक संकल्प लिया है हमारे वक्ताओं द्वारा जो बताया गया, और साथ ही साथ माननीय कांशीराम साहब जी का जो सपना था, बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब के अधूरे सपने को माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश में गली मोहल्लों के अंदर हर तरह के से ताकत के साथ में इस मूवमेंट को पहुंचाने का काम किया है, और बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम किया है। और साथ ही साथ हमने ये संकल्प लिया है, जिस तरह कांशीराम साहब ने संकल्प लिया था कि ये देश की राजनीति बहुजनों के बिना नहीं चल सकती, इस देश की राजनीति बहुजनों के बिना नहीं चल सकती, ऐसा माननीय कांशीराम साहब ने वह हमारे पास में ऐसा एक हथियार देके गए हैं जो बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में पूरी ताकत के साथ में आज तीसरे नंबर पर पार्टी बनी हुई है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सुनील लाइके जी। हमारे साथ में अयूब खान साहब है, अयूब अंसारी जी, जो माननीय और कांशीराम साहब की, क्योंकि बुरहानपुर में दो बार कांशीराम साहब आ चुके हैं, और उस समय अयूब काफ़ी कांशीराम साहब के करीबी रहे। सर क्या क्या कहना चाहूँगे इस अवसर पर?
कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अय्यूब अंसारी, मैं 1992 में बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब के साथ में फोटो खिंचा रखा हूँ और उनके आदर्शों पर चलने का काम करता हूँ और 1992 से बहुजन समाज पार्टी के साथ में हूँ। और मैं माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी का काम पूरे देश में किया है और आज वर्तमान सरकार चाहे वो केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर, लोग जनता भ्रष्टाचार और बलात्कार से परेशान है। और माननीय बहन जी 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है, तो मेरी यही दुआ है कि माननीय कांशीराम साहब का लक्ष्य फिर से पांचवी बार बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम बुरहानपुर जिले के मध्य प्रदेश के अंदर हमारी नगर पंचायत के अंदर हमारे पार्षद पहुंचा के हमारा काम करें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को मजबूत बनाए और माननीय कांशीराम साहब के सपनों को साकार करें और बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, यही हमारी दुआ है। मैं माननीय अय्यूब अंसारी बुरहानपुर बहुजन समाज पार्टी से। ये थे तमाम कार्यकर्ता बुरहानपुर से आज यहाँ बाबा साहब अंबेडकर मांगलिक भवन में माननीय कांशीराम साहब का परिणाम दिवस मनाया गया, जिसमें इस बात के ये कही गई कि 2022 के अंदर उत्तर में इलेक्शन होना है जिसमें बहन प्रधान मुख्यमंत्री बनना है। इस तमाम बातों को लेकर अगर देखा जाए तो माननीय और आज इस देश के अंदर अगर MLA बन रहे, MP बन रहे, विधायक सांसद तमाम पार्षद बन रहे, महापौर बन रहे और सामाजिक परिवर्तन अगर नज़र आ रहा है तो ये माननीय और कांशीराम साहब की देन है। अगर माननीय और कांशीराम साहब इस देश के अंदर बहुजन समाज की अगर राजनीति चेतना अगर नहीं पैदा करते तो इस देश में परिवर्तन और बदलाव नज़र नहीं आता। मैं अनिल सोले और मेरे सहयोगी साथी सुरेश वानखेड़े साथ में आप देखते रहिए जनमत आवाज़।